छिन में पब बारद फांद गए, सुन नाम सुंदर बानक के, कमलापति केसर ईश्वर के, पग बंदत हूँ गुरु नानक के, शुभ श्री गुरु नानक अंगद जू, अमरेश्वर राम सुदासन को, जग जीव उधार के अर्जन जू, हरि गोविंद मोद प्रकाशन को, हरि राय जथा हरि कृष्ण तथा, दुख दारद दोख विनाशन को, प्रभु तेग बहादुर गोविंद सिंह जू, पूर सदा सने आसन को, प्रभु तेग बहादुर गोविंद सिंह जू, पूर सदा सने आसन को। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज की पावन हजूरी विच महापुरशां दे इस पवित्र स्थान ते पंचम पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव महाराज जी दे शहीदी पुरब के संबंध में जुड़ बैठी समूह साध संगत फतेह बुलाओ, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। मेरा मन करता सी नूर साहब इतिहास सुनाउण ते सुना, ते दूसरी गल सी मेरा एक सुभाव है जे मैं लेट आवा तो मैं लेट टाइम दी आस करदा हुन्ना, जे कदे पहले वराले दा नाम लिया होए ना तो मैं टाइम घट लेना, कोई नहीं बाद च बोल लांगे। चलो स्टेज सकत्तर वालों हुक्म होया मैं हुक्म दी तमील करना। एक बार मैं समा मिलया बदनी कला जानदा महापुरशां दे स्थान ते, उन्होंने मेरा नाम अनाउंस किया। जदों मैं बोलन लगा एक गुरमुख प्यारा कहिंदा जी पहला मैं बोलना, सैकटरी साहब कहिंदे नूं टाइम दे दिए, मैं कहा दे दिओ। दूजी बारी मेरा फिर नाम अनाउंस होया, फिर एक कहिंदे जी मैं स्टेज ते बहुता चिर बह नहीं सकदा बीमार है मैं बोलना, मैं कहा दे दिओ टाइम। तीजी बारी आ गए हरिमंदर साहब दे कथाकार दे अरदासीए, वो कहते जी असी ड्यूटी देनी जाके असी बोलना, मैं कहा तुसी बोल लो। सारे बोले, जदों मेरा चौथी बारी ना लिया ना, मैं कहा मैं भाई गुरमुख किसी ने होर भी छेती बोलना है, जाना तो बोल लो, मैं तो टाइम इत्थे कढ के ही आया, हुण मैं पूरा टाइम करके जाना, कोई फर्क नहीं। पर चलो मैं नूर साहब तो माफ़ी मंग लैना कि उन्हां दा टाइम मेरे ख्याल अनाउंस किया सी, उन्हां दा टाइम अनाउंस किया सी तां मतलब उन्हां नूं टाइम उन्हां दा डिले करके मैनूं टाइम दिता। चलो टाइम दा कोई फर्क नहीं है, टाइम दी वरतों चंगी होनी चाहीदी है। एक अंग्रेजी दा फिलासफर कहिंदा टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समा अपने वेग नाल चलदा किसी दी उड़ीक नहीं करदा। भाई गुरबीर सिंह कहिंदा रही वास्ते घट समय ना एक न मन्नी, फड़ फड़ रही धीक समय खसकाई कन्नी, तिरखे अपने बेग ना टप गया बन्ने बन्नी, ये ठहर न जाच ना जानदा ते तुर गया मुड़ के ना आमदा। गुरु अर्जन देव महाराज ने एक रूहानी अल्फाज विच उन्हें इस तरह कहा, महाराज कहिंदे औद घट है दिन सरैना रे मन, हाँ अगली गल बड़ी कारामद है, मन गुरमिल काज सवार जी। अजकल सिख कहना मैं कला ही काज सवारना, गुरु साहब कहते गुरमिल काज सवारे, गुरु की लोड़ कदे कदे पैंदी है, पर कहते मैं पहला अपना काम आप ही सार लवा। इस तरह नहीं है, गुरु तां सिख लई हमेशा उड़ीक करदा पे मेरा सिख मेरे वाल आवे कदों। भाई गुरदास जी कहते हैं चरण शरण एक पैंडा सिख जाए चल, सतगुरु कोट पैड़ा आगे होए लेत है। अज दे नौजवान तर्कबाजी करते हैं बहुतियां गल्लां ते गुरमत दियां, जिन्हां लोकां ने
उत्तम पुरशा ने ब्रह्म ज्ञानी ने सू विद्या दी है। उन्हें कहा बेटा तर्क नहीं करनी, गुरु ग्रंथ साहब साढ़ा इष्टव है, ये किसी तुकते किसी शब्द से किंतु परंतु नहीं करना, क्योंकि जोड़ा इष्ट है साढ़ा उद्ते कोई किंतु परंतु करना ना वो नरक का भागी गमन करने वाला होएगा। तो महाराज कहते वे भाई टाइम तो जोड़ा है जीवन तो बड़े तरीके अपने टाइम ना जा रहा है, वरतों चंकी करनी चाहिए। तो अज गुरु अर्जन देव महाराज का शहीद पर्व है। मैं कई बार सोचता थां थां ते गलियां ते महल्लियां ते सड़कां ते ठंडे पानी छबील लाई हुई है, लोग भर भर के डोले बाल्टियां गड़बियां बोतल घर लिजा रहे हैं कि गुरु अर्जन देव जी ने जिहड़ा असीं पानी पी रहे हाँ पिला रहे हाँ घेर के लोगों नूं ये गुरु अर्जन देव जी नूं मिल रहा। एक छोटी जी मैनूं गल याद आई, मुंडा तैयार हो के पूरी पेंट शेंट पा के ते नवे ही कुंडल कंडल मोड़े सी नंतियां नुंतियां भी पाइया ते ओ बेड़े विचों दी लंघिया ते उहदा बाप बैठा सी, कहिंदा पुत्र मैनूं पानी दा गिलास पला दे। ओ कहिंदा बापू मेरे को नहीं टाइम, मैं कम ते जाना है। थोड़े चिर बाद माता आई घरवाली नूं कहिंदा भलीए लोके भई मुंडा कित्थे नूं गया तैयार हो के, कहिंदी ओह बाहर छबील लगी है सड़क ते ते उस छबील दे उत्ते पानी पिउण गया। भई छबील ते तां जाके लोकां नूं डक डक के मोहरे गड्डियां ते खड़े हो के पानी पिलाउंदा, बापू जवा जाजारा मंगे मंजे ते त्याह है बैठा उहनूं पानी पिलाउण लई कोई तैयार तेर नहीं हैगा। साडे सिख कौम दी महाराज हस्ती सिंह साहब बहुत ही प्यार वाले सिंह साहब ज्ञानी रघुवीर सिंह जी, जथेदार श्री केसगढ़ साहब संगत विच पधारे ने, उन्हां दी आमद विच इक जोरदार जकारा बुलाओ। मैं गल कर रहा सी कि बापू त्याया मंजे ते बैठा उन्हूं पानी पिलाउण दा टाइम नहीं लड़के नूं, पर लोकां नूं जबरदस्ती पानी पिला रहा। मैं एक बारी स्टेज ते कहा मैं भाई गुरु अर्जन देव जी तत्ती तवी तत्ती रेता ते तेज धुप फिर चंदू भी तत्ता फिर सरकार भी तत्ती रेता भी तत्ती धुप भी तत्ती तो उहदे ते केवल एक ब्रह्म स्वरूप शांत सुभाज बैठा, वो कौन? गुरु अर्जन देव जी। बाकी सारे तत्ते एक गुरु अर्जन देव जी ठंडे सी। जे वो तत्ते होंदे कुछ कहंदे ना, की कहंदे है तेरा भाणा मीठा लागे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। माइयां बैठियां ना बेचारियां कहते रोटी पकांदिया पकांदिया पोटा तवे ना लग जाए सड़ जाए ते दो चार गाला सारियां नूं करदियां, टब्बर दा संभला बणाउंदी मेरा हाथ सड़ गया खाना उन्हें भी है। इन्ना जिहड़ा छाला पिया हाथ ते माड़ा जिहा वह नहीं सहा जांदा। पर मैं जवान ना कहिंदा ना तुसीं कन्नां नाल सुणदे हो, लाओ अंदाजा ओह बाहर तत्ता फर्श है, जुत्ती ला के ते तुर के वेखो तुरे जांदा मर गए सड़ गए। पर लो भी तत्ती अग भी तप रही है, भड़पूंजा भी तत्ता है, रेता भी तत्ती है और अग्नि भी तत्ती है, पर उदे विच एक शांत ब्रह्म मूर्त जिसने वेख्या ब्रह्म दिस है ब्रह्म सुनिए एक एक बखाणी है आत्म पुसारा करण हारा तिस बिना नहीं जानी है। जेड़ा अपनी मुबारक कलम तो और मुबारक जबन जवान तो कह रहा की कह रहा, तैसा सवर्ण तैसी उस माटी तैसा अमृत तैसी बिख खाटी तैसा मान तैसा अभिमान तैसा रंक तैसा राजा। राम सर दे उस सुंदर बेरियां दे नाल टप्पे हुए छोटे जे तालाब दे कंडे सतगुरु अर्जन देव महाराज पूरी
रूहानियत की दुनिया च जाके बाणी उच्चारण कर रहे ने, भाई गुरदास जी उन्हों नोट कर रहे ने, लिख रहे ने। बाणी उच्चारण करदे आ साई मियां मीर जी आ गए। सतगुरु सुखमणी साहब की बाणी उच्चारण कर रहे सी, जदों उच्चारण करके हटे मियां मीर दे दिल च एक ख्याल आया, शंका उठी। शंका की सी? कहन लगा पातशाह कोई है दुनिया च इदा का बंदा जिदी तुसी गल कर रहे सी? तैसा स्वर्ण तैसी उस माटी, सोना भी उदन उदा का लगे, मिट्टी भी उदा दी लगे, है जी। तैसा मान तै अभिमान तुसू सारा कुछ बराबर लगे, तैसा रंग तैसा राजान, गरीब कंगाल ते राजा भी उसकी निदर बच्चे कोई होवे, कौन है इस तरह का? गुरु अर्जन देव महाराज खामोश रहे, चुप रहे। साईं मियां मीर ने फिर शंका की, ख्याल करना जड़ी शंका है ना, यह जिंदगी बर्बाद कर देंदी। कदे पत्नी नू आदमी ते शंका हो जाए, घर बर्बाद है। कदे आदमी नू पत्नी ते शंका हो जाए, सिलसिला खराब है। गुरु नू चेले ते शंका हो जाए, चंके नू किते चेले नू गुरु ते शंका हो जाए, फिर वो स्थान बर्बाद है। शंका एक एहो जी बीमारी है, जब तक ये निवृत्ति ना होवे उदों तक मन शांत भी नहीं होता। लो गुरु अमरदास महाराज ने शंका तो सहसा एको ही शब्द है, थोड़ा उच्चारण फिर फर्क है। महाराज कहते सहसा जियो मलीन है कि तो संजम धोता जाए। सारिया का साड़ा संस्या नाल मन मलीन होया पे। वेदांत वाले विपरीय संसा कहते, उल्ट संसा, जड़ा एक तो चंगा शंका कोई गल नहीं होनी चाहिए है, और जिद अशंका पैदा हो जाए वो नहीं होनी चाहिए। तो महाराज कहते ने सहसह जियो मलीन है कि तो संजम तुरता जाए। मन धोवो शब्द लागो, हर सो रहो चित लाए। ये तरीका दसिया गुरु अमरदास जी ने भी थोड़ा शंका की निवृत्ति किमें हो जाए। हम देखो वो उन्होंने काम है। एक मेरे पाती लोई ने कहा भी तुम हट जाओ, चुप करो, हूँ बंद करो। ये एक वर्णिंग है। तो उधर वो आए गुरमुख प्यारे आए ने, उन्होंने पाया। मैं देखता सारे का ध्यान डाइवर्ट उधर हो गया, कन्वर्ट हो गया। तुम एक बार इदा करो, सारे उठालो, जिन्हें दसरोपे पाने पा दियो, जिन्हें सुनने वाले बेचारे वो तो ना परेशान हो, कहने वाले का भी स्वाद गया, सुनने वाले का भी गया, दोनों ही गए। खैर चलो आओ, उन्होंने कार्य उन्होंने करना करन दियो, लैटरिन फ्री उन्होंने बिल्कुल खुले छड़ दियो। तुसी अपनी कंसंट्रेशन माइंड जिहड़ी है उन्हों टका के रखो, फिर गल बनूगी। मैं गल कर रहा सी भाई, शंका की साई मियां मीर ने, हुण वो टाइम आ गया। गुरु साहब कहिंदे हाँ कदे उस पुरश दे दर्शन करावांगे जिन्हों तैसा रंग तैसा राजान है। समा आ गया, लाहौर की जेल में चंदू दे खेत्र विच, चंदू की हवेली विच, जिथे महाराज तत्ती धुप विच, तत्ती तवी उत्ते तत्ती रेता पै रही है, ते साईं मियां मीर आया, गल भरिया, अखां भरिया, और कहिंदा महाराज ये की भाणा बरता रहे हो? महाराज कहिंदे याद करो, तुसीं कदे एक शंका कीती सी, तैसा स्वर्ण तैसी सुमाटी, तैसा अमृत तैसी बिख खाटी। कदे अमृतसर शहर विच भी सानू वेख्या होएगा, कदे हुण वेख लो निगाह भर के, कोई फर्क है? इस वास्ते महाराज इस गल नू सिद्ध करन वास्ते इतनी वड्डी घटना घटाती? कहिंदे इस करके घटाई है कि लोकी बाणी ते शंका ना करन, जो बाणी है ना इनू सत 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 कर जाणो। गुरु अर्जन देव जी ने उस बाणी नू सत करके प्रगट कराया कि भाई जिनू अग ते ठंडा, सोना ते मिट्टी, जहर ते अमृत, इज्जत ते बेइज्जती बराबर है, समान है। ऐसे पुरुष संसार च ने। अज उस सतगुरु रहबर पंजवें पातशाह गुरु अर्जन देव महाराज का शहीदी पुरब है। मैं पानी पूनी पिलाउण दे हक च नहीं हैगा, एक गल दे हक विच है। तुसीं सारे जणे वादा करो,
ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ, ਤੇਰੀ ਧੰਨ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ 'ਤੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਕਰੋ ਬਹਿਦਾ, ਕਰੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਤਾਰੋ ਕੱਪੜੇ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਰਹਿਣ ਦੇਈਏ, ਤੇੜ ਬਣੈਣ ਵੀ ਉਤਾਰੀਏ, ਉਹ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੀਏ, ਤੱਤੀ ਲੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹ ਦਿਓ, ਵੇਖੋ ਫਿਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਨੇਤਰਦਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਤੱਤੀ ਤਵੀ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇਤਰ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਪੂਰਾ ਮਨ ਟਿਕਾ ਕੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਬਾਰੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਪੀਤ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਦੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਪੁੱਜਿਆ, ਅਤੇ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗ ਲਵਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਚੰਗੇ ਲੱਗਣਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਲ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਕੌੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋਊਗਾ ਕਸੈਲਾ, ਅਤੇ ਕਸੈਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੁੱਟ ਹੀ ਦੇਈਦਾ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਵੀ ਕੱਢ ਦੇਈਦਾ, ਅਤੇ ਕਸੈਲਾ ਸ਼ਬਦ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।